विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले के मानपुर थाने के अंतर्गत ग्राम गढ़पुरी में सर्प डसने का मामला सामने आया है। वही मृतक राम स्वरूप बैगा के परिजनों ने बताया कि राम स्वरूप बैगा घाट पर लेटा हुआ था, तभी अचानक काले सांप ने आकर राम स्वरूप बैगा को डस लिया, जहां अस्पताल लाने के बाद उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। वही अस्पताल पुलिस चौकी दिनेश अग्निहोत्री एवं ड्यूटी डॉक्टर ने बताया कि मृतक के परिजन अंधविश्वास को लेकर झाड़फूंक के चक्कर में जिला अस्पताल देर से पहुंचे, जहां शरीर में जहर पूरी तरह से फैल चुकी थी, जिसके कारण राम स्वरूप बैगा को नहीं बचाया जा सका एवं उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वही पीएम कार्रवाई के बाद मृतक के शव को अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों को सौंप दिया गया। बारिश का मौसम आ जाने के कारण अनेकों प्रकार के जीव जंतु जमीन से बाहर की ओर जाते हैं, जिससे कुछ जीव जंतु बहुत जहरीले होते हैं, जहाँ सभी को सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए सतर्क रहना चाहिए। पीसी उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। वो आया सर खटिया में लेटा, वहाँ से फिर सर डस लिया, डसने के बाद चिल्लाने लगा, चिल्लाने के बाद हम दौड़े, चावल भाग रहा था, मर गया लाए सर अस्पताल, वो भी ख़त्म हो गए सर। सर आज खाना खाए हम लेते हैं सर, सांप मान लो चढ़ के और चाव गाड़ी घोड़ा हेरे तब फिर राम शुरू चिल्लाने गए हैं, खत्म हो गया हॉस्पिटल में। चूंकि क्षेत्र जो है जंगली इलाका है और ऐसी स्थिति में जो भी वहाँ के रहवासी हैं उनको अपने घर के आसपास का वातावरण साफ और स्वच्छ रखना चाहिए, और वर्तमान में ऐसी घटनाएं जो है कई घटित हुई हैं, और अगर ऐसी कोई घटना घटित हो तो तुरंत चिकित्सक के पास पहुँचें, झाड़ फूंक से बचें। केवल इसका एकमात्र उपाय है कि तुरंत चिकित्सक के पास पहुंचकर उचित इलाज अगर मिल जाए तो लोगों के प्राण की रक्षा हो सकती है। मैं संवेदना व्यक्त करती हूं, दुख व्यक्त करती हूं बच्चे के लिए, उस परिवार जनों के लिए जिनके साथ ये दुर्घटना घटी है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी एक मैसेज देना चाहती हूं कि अंधविश्वास व्यक्ति के लिए, समाज के लिए बहुत ही घातक होता है। काश वो अंधविश्वास में न फंसे होते, समय पर जिला चिकित्सालय या उचित चिकित्सा की व्यवस्था की होती तो काश वो बच्चा बच जाता। नियति के आगे किसी की नहीं चलती, और इन्हीं बातों के साथ मैं वो करूंगी कि कृपया जो है अंधविश्वास में न फंसे, आधुनिक युग है, अपनी सोच को बढ़ाएं, और ऐसी कोई भी परिस्थिति आती है तो शीघ्र अतिशीघ्र उसे प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था करें, उसके बाद फिर परमात्मा है, उसकी नियति के आगे किसी की नहीं चलती। गढ़पुरी जो बांधवगढ़ तराई का गांव है और वन क्षेत्र है और वन ग्राम कहलाता है, वहाँ निश्चित रूप से सांप है, जानवर हैं, परंतु जो ग्रामीण वासी हैं वो लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। इसमें ये मामला प्रकाश में आया था कि जब ये जिसको काटा ये युवक को, तो वो जीवित था और वो इस स्थिति में था कि वो अस्पताल जाता तो हो सकता जीवन रक्षा दवाइयाँ उसको मिलती और बच सकता था, परंतु ये नीम हकीम जादू टोना के चक्कर में पड़ के ज्यादा से ज्यादा समय गंवा दिया और सही समय पे उसको उपचार नहीं मिला, इसलिए दुर्घटना कारित घटी है। शासन प्रशासन से हम आग्रह करते हैं और ये जो जिला चिकित्सा अधिकारी उनसे भी आग्रह करते हैं कि लोगों को समझाइश दें कि जादू टोना और ये नीम हकीम से काम नहीं चलेगा गंभीर बीमारियों का या सर्पदंश से, लोग अस्पताल जाएं और उनके इलाज के लिए जो भी वैक्सीन है वो उपलब्ध कराएं, यही हमारी शासन प्रशासन से मांग है। ये एक पेशेंट था जिसको करीब रात 2 बजे बताया, जैसे परिजनों ने कि 2 बजे सांप ने काटा था, फिर यही बोला कि हम आप 9:30-10 बजे तक आप अस्पताल पहुंच रहे हैं, बीच में कहां थे, तो बोले कि सर हम झड़वा फूंकवा रहे थे। तो इस दौरान जो हालत स्थिति गंभीर हो जाती है कई बार मरीज की, जब सुविधाएं अस्पताल में है तो आप सीधे अस्पताल पहुंचे लेंगे, जो बीच का जो टाइमिंग रहता है बीच में लाना ले जाना, झड़वाना फूंकवाना, फिर जब गंभीर होता है तो बुनिया और ये लोग केवल अस्पताल ले जाओ, तब तक मरीज की स्थिति गंभीर हो चुकी होती है। एक पीएम के लिए उस पेशेंट को जिसकी मृत्यु हुई है रामस्वरूप बैगा को हम पीएम की कार्रवाई के बाद परिजनों को सपोर्ट कर रहे हैं। रामस्वरूप बैगा पिता मनवीर बैगा, उम्र 26 वर्ष, निवासी गढ़पुरी थाना मानपुर का, तत्काल जिला अस्पताल उमरिया में सर्प काटने के उपरांत भर्ती हुआ था, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है।
पीएम पंचनामा कार्रवाई कराई जाएगी।